family and the body. Do drop in your comment section and check. सो वेल हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, योर फ्रेंड मिसेस एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो भाई जैसे कि आप बैकग्राउंड देख के समझ ही रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ, बट अभी के लिए आप देख सकते हो बाइक्स नहीं है ज़्यादा। बाइक्स क्यों नहीं है, क्योंकि आज हम बाइक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, कुछ जो नई नई चीज़ें आ चुकी हैं शॉप के ऊपर वो वाली चीज़ें दिखाने वाले हैं। क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हो वाइट कलर की क्या ब्यूटी खड़ी है, आज हम उसको रिव्यू करेंगे। वो बाइक के बेसिकली वो कार कौन सी है वो आज पूरी वीडियो में बताएंगे। ये बहुत प्यारी सी ब्यूटी खड़ी है, हल्की सी झलकी दिखाऊं, बाकी पूरी गाड़ी सिनेमैटिक्स में दिखाएंगे और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। बाइक्स तो बहुत दिखा ली, हद से ज़्यादा दिखा ली, पर जब सेम शॉप ने कार्स का काम शुरू कर दिया तो मैंने सोचा क्यों ना कार्स को भी एक बार फीचर कर दिया जाए। बाकी एक बार आप सिनेमैटिक इन्जॉय करो, फिर मैं जसमीत पाजी को बुलाता हूँ, कार के बारे में बताएंगे, कार के अंदर से दिखाएंगे और सब कुछ चला वाला के दिखाएंगे। काफ़ी प्रीमियम कार है अंदर से, अभी जब हम घर से आए तब इसी में आए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया इस कार के अंदर। और आज शॉप बंद है, आज मंडे है, मंडे को हम शूट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तभी खाली होता है तभी हम शूट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते क्योंकि वैसे वीक डेज़ के ऊपर यहाँ पे बाइक्स लगी हुई होती है। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज का वीडियो कुछ और डिफरेंट होने वाला है, कि फ्रेम में बाइक्स तो है नहीं पाजी, आज पहली बार हो रहा है, आज पहली बार ही हो रहा है सरस्वती मोटर्स की दुकान के बाहर, सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स। मतलब आपके चैनल पे दूसरी बार हो रहा होगा, मेरे चैनल पे पहली बार हो रहा है, इसके चैनल पे पहली बार ही हो रहा है, मिस्ट्री बॉय ब्लॉग्स चैनल के ऊपर, दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आपको बहुत टाइम भी हो गया कुछ भी दिखाया हुआ, तो सोचा कुछ डिफरेंट दिखाते हैं। एंड इस बार सोचा था कि एक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं मार्केट के ऊपर कि अब जसनीत सिंह एंड सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स इज नाउ नॉट ओनली इन सुपर बाइक्स, यू आर इनटू दिस ब्यूटीफुल लग्जरी कार्स आल्सो। और गाइस मैं स्पेशली साथ में आया हूँ पाजी के, और अंदर से जो प्रीमियम लुक और मतलब जो फील आता है ना वो डिफरेंट है। एक और कार है जो पाजी के चैनल पे दिखेगी, हम उसमें आए थे, तो उसके लिए आपको देखना है तो जसनीत सिंह चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ। इसको देखना है तो यहीं बने रहो, पहले ये वाली वीडियो देख लेना फिर वहाँ जाना, कहीं अभी चले गए। देखना चाहते हो तो ये बार कोड स्कैन कर लेना, आपको मेरे चैनल दिख जाएगा, सही में दिखेगा। हाँ हाँ स्कैन कर लेना, मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसी कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ जोक। सो गाइस आज का वीडियो होने वाला है ऑन दिस ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट ऑडी A6, इस चार के सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, बढ़िया वाले ना। हाँ हाँ बढ़िया वाले, तो पहले सिनेमैटिक्स एंजॉय करो एंड दिस वीडियो इज गोना बी वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, तो स्किप मत करना वीडियो को। एंड अभी तक अर्जुन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दो, बहुत टाइम हो गया है, इट्स बीन वेरी लॉन्ग, मेरे ख्याल से 4-5 महीने हो चुके हैं कि हमने साथ में वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे, जैसे कि पाजी नहीं बता रहा कि यार पढ़ाई पहले कर ले, बाकी जो आप लोग कहते हो। मैं भी देखो मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मेरे हिसाब से भी मेरे लिए पर्सपेक्टिव पहले पढ़ाई का है। नहीं फिर भी पाजी जो लोग बोलते हैं कमेंट में कि पढ़ाई कर ले, मैं मतलब बेसिकली पढ़ाई भी करता हूँ, वीडियोस तो हमारी कैसे बेसिकली महीने में 3-4 ही आती थी। यार ये उसमें भी वेरी हार्ड वर्किंग आए, तो कुछ किसी को कमेंट करने से पहले यू शुड नो द बैकग्राउंड, इज अ रियली हार्ड वर्किंग आए एंड मेरे और इसके बीच में जो प्यार है शायद आप लोगों को समझ नहीं आ पाएगा, ना कभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। और ही इज मोर लाइक अ ब्रदर टू मी, ही इज नॉट अ यूट्यूबर, ही इज मोर लाइक अ छोटा मेरा भाई है, ये इज अ यंगर ब्रदर टू मी, एंड हमारी जोड़ी हमेशा बरकरार रहेगी कुछ भी हो जाए, जब तक मतलब ये दुकान है, जब तक ये दुकान है, जब तक मैं हूं, तब तक ये है मेरे साथ, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। और ये दुकान तो शायद से मतलब आपके बच्चे भी चलाएंगे, हमारे तो बहुत लोग आएंगे यहाँ पे, अभी देखते हैं वक्त का कुछ नहीं पता, मेरे बच्चे का पहले शादी तो होंगे, हो जाएगी यार 5-6 होंगे, नहीं नहीं नथिंग एज सच। सो गाइस ये बातें चलती रहेंगी, वेली मजाक, पहले सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, फिर आपको बताता हूँ मैं बाइक की नहीं गाड़ी के बारे में एक डिफरेंट व्लॉग बताता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स गो। I'm still used to painting my mind lines, standing on rainbows, playing.
सो गाइस शुरुआत करते हैं पहले ऑडी के साथ। तो दिस ऑडी राइट हेयर आपको सामने दिख रहा होगा, एमएच रजिस्ट्रेशन है इस कार का, 2012 मैन्युफैक्चर एंड रजिस्टर्ड है, 2012 की ये ऑडी है। एंड दिस इज़ द ऑडी A6, ये A6 है। हैव अ कंप्लीट लुक एट द कार, लुक्स वेरी गुड, वेरी प्रीमियम, वाइट कलर। बाकी ऑडी के अंदर तो आपको इसकी सिग्नेचर हेडलाइट्स पता ही हैं, द DRLs, जो DRLs जारी रनिंग लाइट्स एंड द प्रोजेक्टर। इसके अंदर एक मैट्रिक्स वेरिएंट भी आता है जिसके अंदर हेडलाइट्स काफ़ी टेक्नोलॉजी पैक आता है। इसका एक टेक्नोलॉजी पैक के अंदर आपको इसकी हेडलाइट्स डिफरेंट मिलती हैं कुछ, जो काफ़ी हाई एंड सुपीरियर हो जाता है। बाकी रही बात ऑडी के बारे में गाइस, इसके अंदर आपको बहुत सारे यूनिक फीचर्स मिलते हैं। एक ऐसी मोटर मिलती है, एक ऐसा गियर बॉक्स मिलता है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। 2.0 TSI इंजन, टर्बो सुपरचार्ज इंजेक्शन, टर्बो इंजन है मतलब डीजल के अंदर। मोर ओवर DSG गियर बॉक्स इस कार के अंदर आपको ऑडी या वैग ग्रुप, वॉल्सवैगन ऑडी ग्रुप जो होता है VAG, इन सब के अंदर आपको DSG गियर बॉक्स मिलता है, डुअल स्लिप गियर बॉक्स, जिससे आपकी शिफ्टिंग जो होती है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ एक वॉल्सवैगन ऑडी ग्रुप के अंदर ही मिलता है। गाइस स्टार्ट करते हैं इसकी पहले साइड प्रोफाइल से। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ऑडी के ही रिम्स हैं, अलॉय व्हील्स हैं ये, विच कम बाय डिफॉल्ट फ्रॉम ऑडी इटसेल्फ। 17 इंचेस के ये अलॉय व्हील्स हैं, 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। और टायर्स की अगर बात करें तो इसके टायर्स होते हैं 225/55R17। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 225/55R17, ये ऑडी के टायर्स हैं। अब टायर्स का मतलब क्या होता है, 225 मतलब क्या होता है, 225 इज़ द विड्थ ऑफ द टायर, ये जो मेरा हाथ अंदर जा रहा है दिस इज़ द विड्थ ऑफ द टायर, ये 225 है, ये 55 है और ये 17 है। सो दैट इज़ दी बेसिकली, जिनको टायर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है या जो लोग जानना चाहते हैं, तो इसका नंबर का मतलब ये होता है कि 225 मतलब इज़ द टायर विड्थ टायर की, और 55 होगी टायर की वॉल, एंड 17 इज़ दी ओवरऑल डायमीटर ऑफ द कार ऑफ द रिम सॉरी। तो 17 इंच का रिम मिलते हैं आपको। एंड मोर ओवर ऑडी एक ऐसी कार है A6 की अगर हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर आपको सस्पेंशन जो है एयरमैटिक सस्पेंशन मिलता है। एयरमैटिक सस्पेंशन मतलब आप इसके सस्पेंशन को रेज और लोअर कर सकते हो अंदर गाड़ी के अंदर, जो राइडिंग मोड्स ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं आपको, विद द हेल्प ऑफ दोज मोड्स आप इसके सस्पेंशन को ऊपर नीचे कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी सारे सेटअप्स आते हैं, अभी आपको जब इंटीरियर पर चलेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अभी आप गाड़ी की हाइट चेक कर सकते हो, पीछे से अगर हाइट देखेंगे तो बिल्कुल अभी सामने नॉर्मल लग रही है आपको। ऑल दो ऑडी थोड़ी सी नीचे होती है, लोअर होती है दैन दी BMWs एज कम्पेयर टू दी राइड हाइट। अभी आपको सारे फीचर्स में अंदर चल के एक्सप्लेन करूँगा। बाकी ओवरऑल आपने देख ली है ऑडी A6, ब्यूटीफुल कार, काफ़ी अच्छी कंडीशन की है। आई वोंट से इट्स इन कंप्लीट स्क्रैचलेस कंडीशन, थोड़े बहुत स्क्रैचेज है, 2012 मॉडल है तो थोड़ा बहुत चलता है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल की ऑफ ऑडी, ये चाबी आपको मिलती है, काफ़ी सुंदर चाबी है, काफ़ी अच्छी है, लुक्स वेरी प्रीमियम, वेरी गुड। एनीवेज दैट्स द एक्सटीरियर ऑफ दिस ऑडी ब्यूटीफुल 2012 मॉडल की। अभी चलते हैं इसके इंटीरियर के ऊपर, चलिए लेट्स गेट टूवर्ड्स द इंटीरियर। तो चलिए गाइस अब भाई इसके इंटीरियर के बारे में, लेट्स गेट टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार। नाउ मी बीइंग 6 feet tall, मैं 6 feet लंबा हूँ, आप हेडरूम देख सकते हो, ठीक है, मैंने अभी पगड़ी भी पहनी हुई है, पग पहनी हुई है, तब भी हेडरूम इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल। स्पेस देख सकते हो, मैं अपनी सीट आराम से हिसाब से कंफर्टेबल होकर बैठ रहा हूँ। सबसे पहली बाजू आती है आर्मरेस्ट के ऊपर, जिसका आर्मरेस्ट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। सो गाइज ये है इंटीरियर एक ऑडी का, एंड आप देख सकते हो काफ़ी बटन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं ऑडी के अंदर, एंड लुक्स वेरी प्रीमियम। अभी एक मैजिकल चीज़ भी आती है A6 के अंदर, जिनको नहीं पता उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा, अभी एक यहाँ से कुछ सामने आपके अभी दिखाता हूँ आपको। बट फर्स्ट एंड ऑल दिस इज़ द की ऑफ द कार, ये फॉब है या की कह सकते हो इसको, कीलेस एंट्री होती है सारी कार्स में, आपको की लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेन बात इसको स्टार्ट कैसे करना है, ये आपके सामने स्टार्ट इंजन स्टॉप इंजन का बटन दिया हुआ है, दिस बटन राइट है, लेट्स प्रेस दिस बटन एंड स्टार्ट दिस कार एंड लुक एट दिस ब्यूटी ऑफ ऑडी। अब ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम कह सकते हो, या इसको सारे जो भी फीचर्स आपको गाड़ी के अंदर चाहिए वो सब आपको यहीं से पता चल जाएंगे। इसमें मोड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक एंड इंडिविजुअल। ये मोड्स को सबको सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे डेडिकेटेड कीज़ दी हुई हैं, ये जो आप जॉक डायल देख रहे हो दिस इज़ टू, ये सामने आप देख रहे हो सारे मोड्स आ रहे हैं। बाकी ये जो 4 बटन दिए हुए हैं नीचे, दीज 4 बटन्स, ये 4 बटन सिग्निफाई करते हैं इसके 4 कॉर्नर्स ऑफ द डिस्प्ले। अभी यहाँ पे एक छोटी सी लिखी हुई है रेज, अगर आपको दिख रहा हो रेज,
अगर मैं ये बटन दबाऊंगा नीचे, ये जो कॉर्नर में आ रहा है यहीं पे रेज लिखा रहा है ना, फील सी ये एरो बना रहा है आपका ना, स्लोली द सस्पेंशन ऑफ द कार आई कैन फील इट कि पीछे से धीरे धीरे ऊपर हो रहा है। इस चीज़ को वीडियो में कैप्चर भी करने की कोशिश करूंगा मैं, टाइम लैप्स वीडियो लेके देखते हैं अगर हो पाता है कैप्चर, तो आई डेफिनेटली शो यू दिस थिंग। तो ये फीचर्स आपको एक ऑडी में ही मिलते हैं, A6 के अंदर ही मिलते हैं, जो एक 5 सीरीज में नहीं है। ये एक बेसिक फ़र्क है, बेसिक कह लो या काफ़ी ड्रास्टिक फ़र्क है। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल कॉकपिट व्यू, ये भी एक बड़ी प्यारी चीज़ है ऑडी के लिए, एक डेडिकेटेड ये हर एक चीज़ के ऊपर वहाँ पे आप देखते हो, टेम्परेचर के लिए लाइट्स आ रही हैं, फ्यूल के लिए भी लाइट्स आ रही हैं, देयर इज़ नो इंडिकेटर बार जैसे वो सुई आ रही होती है ना, जैसे इसके अंदर आ रही, एंड यू कैन सी द रेव रेंज। अभी मैंने रूफ सनरूफ खोला हुआ है तभी आपको थोड़ी सी कैबिन नॉइस आ रही होगी, लेट्स क्लोज द रूफ एंड अब कैबिन देखिए कितना साउंड है, अब देखिए कितनी शांति है। बीइंग अ डीजल का थोड़ा बहुत हमिंग नॉइस है इसके अंदर, बट स्टिल दिस थिंग इज वेरी वेरी क्वाइट। बाकी ये सारे जेस्टर्स यहाँ पे सारे आपके कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, अभी पार्किंग के लिए आपको पॉकेटोनिक्स मिलते हैं जो आपको आवाज़ अभी आ रही होगी शायद, साथ में पीछे रियर शेड के लिए, एंड दिस इज़ द फन मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, वार्निंग, रिस्ट्रिक्टेड स्टेबिलिटी। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करते ही दिस थिंग गोज एब्सोल्युटली इनसेन, मज़ा आ जाता है बाइक कह रहा हूँ कार चलाने में। तो यही कुछ फीचर्स हैं ऑडी के लेके। बाकी आपको इसके अंदर पैडल शिफ्टिंग गियर्स मिलते हैं द माइनस एंड हियर इज़ द प्लस वन, गियर शिफ्टिंग के साथ साथ क्रूज कंट्रोल तो मिलता ही आपको, विच कम्स इन स्टैंडर्ड इवन इन A4 ऑल्सो। ये चीज़ें जो हैं आपको ऑडी के अंदर मिलती है, और सबसे मेन बात इसका स्टेयरिंग, ऑडी का स्टेयरिंग सबसे लाइट फील होता है। आई डोंट नो ये मेरा पर्सनल परसेप्शन कह लो या सच्ची में है ही है, तो मुझे जो है फिलहाल ऑडी का जो स्टेयरिंग है वो सबसे लाइट लगता है, एंड इट्स रियली स्मूथ, चलाने में सबसे स्मूथनेस आती है इसके अंदर और बहुत प्रीमियम लगती है। बाकी चलते इसकी लाइट्स के ऊपर, थोड़ी सी इसके लाइट्स भी अगर आपको दिख रही होंगी यहाँ पर रेड कलर की लाइट्स हैं, मैंने लास्ट टाइम मर्सिडीज़ के अंदर रात को इसलिए बनाई थी ताकि आपको चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करा सकूं। दीज मून लाइट्स लुक्स वेरी प्रीमियम, ये जब नीचे गिरती हैं पूरा कंसोल आपको रात को बिल्कुल रेड कलर का दिखता है, तो लुक्स वेरी गुड। बाकी आपको एक बारी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इसकी सारी लाइट्स का। नाउ दिस थिंग इज़ एन एब्सोल्यूटली मैग्निफिशेंट ब्यूटी। सामने आपको वुडन टच मिल जाता है, ये जो पैनल्स आप देख रहे हो तो वुडन पैनल्स, नीचे भी उसके बाद ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट मिल जाता है, पीछे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आप टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। सो मेरे हिसाब से तो ये जो है ये पूरा एक 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको, हर कोई अपने हिसाब से इसके वेंट्स और टेम्परेचर सेट कर सकता है। आपको पिलर्स पे भी मिल जाते हैं वेंट्स, अगर आप पिलर्स पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी दैट बीइंग सेड गाइस, एक डिफरेंस मेजर है BMW और ऑडी के बीच में, वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए ये था ऑडी का ओवरव्यू, आपको एक बारी इसको जब बंद करते हैं तब भी देखो कितना मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। नाउ आई विल प्रेस दिस बटन एंड दिस थिंग विल टर्न ऑफ, ये इग्निशन पे है एंड नाउ द कार इज कम्प्लीटली ऑफ, देयर इट गोज। सो गाइस जैसा कि आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अब थोड़ी सी रात हो गई है तो एक चांस मिल गया शूट करने का भी। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द रेड लाइट्स, मैं आपको जैसे ऑडी की दिखा रहा था, अभी आप देख सकते हो नीचे ये सब कुछ कैसे रेड ल्यूमिनेंस हो रहा है, आई होप कैमरे में कैप्चर हो रहा होगा। बाकी छोटी छोटी एक्सेंट्स वाइट कलर की लाइट्स आपको दिख रही होंगी, आप इधर आगे देखेंगे तो आपको लेग स्पेस में भी लाइट्स दिख रही हैं, सामने डोर्स में भी लाइट है वाइट कलर की और रेड कलर की लाइट्स आपको दिख रही है। ये एम्बियंट लाइटिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको एम्बियंट लाइट्स वगैरह दिख रही होंगी। सो दिस इज द प्रीमियम फीचर विच यू गेट इन ऑडी। बीमा के अंदर भी आता है ये फीचर, बीमा के अंदर आपको यही सेम लाइट्स आपको मिलेंगी जो वाइट कलर की है, दोज आर द इंटरनल ऑरेंज टिंट मैचिंग द स्पीडोमीटर दैट कॉकपिट ऑफ द कार, एंड आई होप आपको ये शॉट पसंद आया होगा। दिस इज थोड़ी सी आवाज़ की आपको डिफरेंस आ रहा होगा बिकॉज मैं बिना माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट कैसा लगा आपको नाइट व्यू इंटीरियर ऑफ दिस ब्यूटीफुल ऑडी, डू ड्रॉप इन योर कमेंट सेक्शन, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। सो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो ऑडी को लेके, तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी अगर ऐसे कार्स के ऊपर और व्लॉग देखना चाहते हो तो और भी बहुत कुछ है, बाजी के बाद एक छोटे सेगमेंट की भी कार है जो सेल के लिए है, उसके ऊपर अभी तक व्लॉग नहीं बना है। अगर आप चाहते हो कि आपको कम प्राइस रेंज में अच्छी कार्स चाहिए
वो पाजी की पर्सनल कार थी यार, वो बहुत अच्छी होगी तो उसके लिए व्लॉग चाहते हो तो कार है, आई एम ऑल्सो विलिंग टू सेल। तो मैं सोच रहा था कि कहीं ना कई बार यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे लोग बहुत देखते रहते हैं, बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, तो व्हाई नॉट टू वेदर टू सेल इट आउटसाइड, में अपनी यूट्यूब फैमिली को ही क्यों ना वो चीज़ दे दूँ, किसी के अपने के पास चली जाए। बिल्कुल, किसी अपने के पास जाएगी तो इट विल डेफिनेटली बी गुड। सो गाइज, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इट वॉज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल ऑडी A6 लाइट है। अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर दो। जसनीत सिंह आ गया, मैं आ गया अर्जुन के साथ, तो लाइक तो करना ही बनता है। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू हिस चैनल। नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो जल्दी जरूर बताओ मेरे चैनल के ऊपर। इसके साथ एक और ब्यूटी है जो पहले जब अर्जुन डाल देगा, मैं थोड़े लेट डालूंगा कि मुझे टाइम लगता है एडिटिंग के अंदर, तो वो देखना चाहते हो तो मेक श्योर यू गो टू माय चैनल आल्सो। उसके अंदर हमने नया सेटअप बनाया था काफ़ी मस्त। हाँ, आपका चैनल भी जसनीत सिंह, काफ़ी सारी ऑडियंस है हमारे चैनल पे आपके रिलेटेड, पर मेरे को लग रहा है वो सारी कन्वर्ट हो चुकी है पहले ही। नहीं नहीं, कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ यार, एक बड़ा प्यार है हमारा एंड एक फैमिली हो आप लोग भी, तो ऐसे ही प्यार देते रहो, सपोर्ट देते रहो, पॉजिटिव वाइब्स रखो, पॉजिटिविटी रखो। हाँ, अच्छा लगता है यार वीडियो देख के, मज़ा आए, ये नहीं कि किसी के दिमाग में कुछ गलत चीज़ चली जाए। बिल्कुल सही, एंड कोई भी मन में डाउट हो, कुछ भी हो, 8/22 करोलबाग W, ये सुपर बाइक्स बस सरस्वती मोटर्स, जसनीत सिंह आपको वहीं मिलेगा, कभी भी आ जाओ। आज मंडे का दिन है, आज भी मेरे एक फ्रेंड आए थे, प्रिय मित्र मुझसे मिलके गए हैं, तो आपका मन जब भी करे, आई एम ऑलवेज हेयर, फील फ्री टू कम विजिट कभी भी। अगर कॉल पे ना जवाब मिल पाए तो यार डायरेक्ट आ जाओ, अगर आप जेन्युइनली लेना चाहते हो तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बातें बहुत सारी हो गई है गाइस, आई होप पसंद आया होगा वीडियो। बाकी अर्जुन अब एक्सप्लेन करेगा, खत्म करेगा। बाकी यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, और ऐसी ऐसी बेसिकली मतलब बाइक के ऊपर देखने के लिए आज कुछ दिखाने को है नहीं पीछे स्टॉक पर, सारा बहुत सारा स्टॉक है यार, जल्दी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे ना, क्यों नहीं दिखाएंगे, दिखाया भी था, इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी अर्जुन ने, ब्लंडर कर दिया सारी, पूरी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए मैं माइक नहीं लगाता और मेरे चैनल पर तभी मुझे गालियां पड़ती है कि पाजी इतनी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, आप क्या कर रहे हो, बट अब मैं माइक यूज करने लगे। आपको इस वीडियो के अंदर ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी लगी होगी तो वो जरूर बताना। बिल्कुल, बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज मिस्ट्री वाव व्लॉग्स विद जसनीत सिंह, सुपर बाइक्स पर सरस्वती मोटर्स, वी आर साइनिंग आउट टुडे, टिल देन बाय बाय।